हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं आपकी चटपटी भूख के लिए कुछ झटपट नाश्ता। तो फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ बनाने वाली हूँ पोटैटो चीज़ बॉल्स। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। आपको जब कुछ इंस्टेंट भूख लगी हो और आपको कुछ झटपट खाना हो ना, तो उसके लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छी लगती है। आप चाहो तो अपने गेस्ट के आगे सर्व कर सकते हो, उन्हें भी खा के मज़ा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बनाने के लिए एक बाउल में आधा कप सूजी ली है, आधा कप बेसन लिया है। तो पहले मैंने बेसन लिया है आधा कप, उसके बाद मैंने यहाँ सूजी ऐड की है आधा कप। अब हम डालेंगे इसमें नमक, थोड़ा सा डालेंगे पानी। पानी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिए, आपको कितने लोगों के लिए बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितने लोगों के लिए बना रहे हो उस हिसाब से अपना पेस्ट बना के तैयार कीजिए। तो हम इसे एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बना के तैयार कर लेंगे। देख सकते हैं आप, हमारा जो बैटर है बहुत अच्छा बन करके तैयार हो गया है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत इंस्टेंटली बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आलू लिए हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, उनको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद हमने बाउल में यहाँ ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें यहाँ 1 या 2 प्याज ऐड करूँगी, 2-3 हरी मिर्ची, थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहो तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यहाँ चीज़ों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अब मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ 1 चम्मच नमक लिया है, थोड़ा सी मिर्ची ली है और थोड़ा सा हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तो हम इन्हें अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। हमें ये बहुत अच्छे से मिक्स करना है, हमें ये सारे मसाले आलू के अंदर बहुत अच्छे से मिक्स करने हैं, ताकि हम जब इसमें चीज़ ऐड करें तो हमारा जो चीज़ है मुँह में एकदम से अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तो हमें जो उसका ब्लास्ट होगा तब बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमने यहाँ मसालों को आलू में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहो तो नॉर्मली आलू को जो है हाथ से मैश कर सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। बट अगर आप चीज़ वाले बना रहे हो तो इस तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ चीज़ ले लिया है। मेरे पास एक कंटेनर में चीज़ था, तो मैंने उसको निकाल करके उसके डाइसेस बनाए हैं। अगर आप चाहो तो डाइस क्यूब्स वाला चीज़ का यूज़ कर सकते हो। चीज़ कई तरीके की आता है, आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ डाइस चीज़ का यूज़ नहीं किया है, मेरे पास नॉर्मल चीज़ था, तो मैंने उसी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाइस चीज़ बना के रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे साइड रख देंगे। अब मैंने एक पैन को गरम करने के लिए रख दिया, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। जब तक हम हमारे ऑयल को गरम होने के लिए रखेंगे, तब तक हम आलू की छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। ऑयल जो है मीडियम हॉट हो रहा है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गरम हो जाएगा, तब तक हम इसकी बॉल्स तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ इसकी बॉल्स बना के रेडी कर ली हैं। अब मैं आप बताते हैं इसमें चीज़ कैसे ऐड करना है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉल्स है ना, उसके सेंटर में हमको चीज़ रखना है और फिर इस आलू के बॉल को ही हमें अच्छे से कोट कर देना है। यानी कि इस तरीके से हम चीज़ को बीच में रखेंगे। आप अपने हाथों में ना ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा, उससे क्या होगा ना, आपकी जो पोटैटो बॉल्स के अंदर जो चीज़ है ना, बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगी। यानी कि जो आपके आलू है वो अपनी चीज़ को अच्छे से कवर कर लेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें हाथ में रखते हुए इसे गोल गोल करना है। आप अपने हाथों में ऑयल लगाएंगे ना, उससे क्या होगा, आलू की जो लेयर है ना बहुत अच्छी बनेगी, यानी कि बहुत चिकनी बनेगी और बहुत जल्दी जो है बॉल इसकी बन करके तैयार हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और चीज़ आपका निकल के बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसकी जो बहुत अच्छे से तरीके से बॉल बना करके रेडी कर लिया है, बिल्कुल गोल बॉल बनाई है। आप चाहो तो छोटी बना सकते हो, आप चाहो तो और बड़ी शेप में बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से बताती हूँ इसे कैसे बनाना है। तो आप देख सकते हैं हमें हथेली के बीच में इस तरीके से रखना है, उसके बीच में हमें थोड़ी सी जो है चीज़ रखनी है। चीज़ आप डाइसेस में कट करोगे तो सबसे अच्छा है, उससे क्या होगा ना, आपकी जो चीज़ है बहुत ही परफेक्टली उसके अंदर जो है सेट हो जाएगी। अब हमें हमारे उसी आलू को पूरी तरीके से चीज़ के ऊपर कवर कर देना है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी चीज़ बॉल्स को कवर कर लिया है। अब हम इसे बेसन में कोट करेंगे और आपका जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें फ्राई करेंगे। तो मैं एक एक करके मैंने यहाँ 2 बॉल्स पहले डाली हैं, उसके बाद में बाकी की बॉल्स को भी हम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं आपके पैन में कितनी जगह है, आप उस हिसाब से अपनी बॉल्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने पहले सिर्फ 2 बॉल्स डाल के चेक किया था कि इसमें कितनी जगह आएगी। तो फिर मैंने अभी डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं ये नीचे से गोल्डन, हल्का हल्का गोल्डन कलर जो इनका आने लगा है, अच्छी फ्राई होंगी। उसके बाद हम इसमें हमारी बाकी की चीज़ बॉल्स को भी धीरे धीरे करके ऐड कर देंगे। तो आप बहुत सेफ्टी के साथ, यानी कि बहुत अच्छे से अपनी चीज़ बॉल्स को जो है बेसन के अंदर कोट कीजिए और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। बेसन का जो लेयर है ना, वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, बहुत अच्छा आपका चीज़ बॉल बन के तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, मैं इसे धीरे धीरे करके फ्राई कर लूँगी। मैंने गैस को स्लो टू मीडियम रखा है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखा, हाई करोगे तो आप जल जाएगा।
इसलिए स्लो टू मीडियम ही गैस को आप रखिएगा। तो आप देख सकते हो हम धीरे धीरे करके इनको पलट देंगे। जैसे ही इनकी लेयर जो नीचे की साइड से है ना, हल्का हल्का इसकी जो नीचे की लेयर है वो गोल्डन होने लगेगी, यानी कि पकने लगेगी, तब हम इनको टर्न करेंगे, यानी कि इनको पलट देंगे। उससे क्या होगा ना, आपकी जो बेसन की लेयर है वो अच्छे से सिक जाएगी, यानी कि अंदर तक उसको हीट जाएगी और आपकी चीज़ अच्छे से मेल्ट होगी और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने धीरे धीरे करके सारी बॉल्स को पलट दिया है। तो हमारी जो ये लेयर है ना ऊपर वाली, इसको गोल्डन कलर का करना है, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, क्रिस्पी आएगा, क्रंचीनेस आएगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसको जो है हमारी चारों तरफ से सिक चुकी है। अगर आपको लगता है कि कहीं से कच्ची रह गई है तो आप इसे और थोड़ी देर के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो हमारी दोनों बॉल्स जो हैं बन करके थोड़ा थोड़ा फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने इनको बाहर निकाल लिया है। इसी तरीके से हम बाकी बॉल्स को भी फ्राई करेंगे। तो पहले हम इसे टर्न करेंगे, देखेंगे कि हमारी जो बॉल है वो गोल्डन हो चुकी है, उसके बाद हम इन्हें बाहर निकालेंगे। तो मैंने इसको एक साइड से गोल्डन कर लिया है, अब मैं दूसरी साइड से भी थोड़ा सा गोल्डन करूँगी, उसके बाद इनको बाहर निकालूँगी। बहुत क्रंचीनेस आता है, बहुत क्रिस्पीनेस आता है जब आप इसमें सूजी ऐड करते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने यहाँ हमारी सारी बॉल्स को बाहर निकाल लिया है, एक एक करके आप सारी बॉल्स को बाहर निकाल लीजिए, गैस को ऑफ कर दीजिए। अब हम इसे प्लेटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ प्लेट में टमाटो सॉस रखा है, उसके साथ सर्व कर रही हूँ। आप चाहो तो ग्रीन चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हो, दही की डिप के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने यहाँ पर सारे के सारे जो बॉल्स बना के रेडी करे थे वो रख लिए हैं। अब हम इनको कट करके भी दिखाते हैं कि कितने अच्छा और टेस्टी बन करके तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बॉल थी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके रेडी हुई है, अब हम इसे कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने चीज़ डाइस डाले थे वो बिल्कुल ही अच्छे से मेल्ट हो चुके हैं। इसका जो टेस्ट था बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस था। तो गाइज़, आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।